वेलकम टू रश्मि किचन। आज हम रश्मि किचन में बनाएंगे गुजिया, होली स्पेशल गुजिया। मावा गुजिया बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और स्वाद भी उसका लाजवाब होता है। तो फिर बना लेते हैं हम गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए और कैसे हम गुजिया बनाएंगे? नारियल है, कुछ हमने किशमिश लिए हैं जिनको बारीक काट लिया, और दो इलायची ली हैं जिसका हम पाउडर बना लेंगे। ये हमने 1 कप मैदा ली है। इसके लिए पहले गूंद कर आटा तैयार करेंगे, उसके बाद हम गुजिया बनाएंगे। मेन काम होता है वो गुजिया के लिए इसका आटा। बहुत अच्छा आटा तैयार करने के लिए, बहुत अच्छी गुजिया बनाने के लिए हमें आटे में क्या क्या डालना चाहिए? अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम गुजिया में देसी घी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह और भी कोई घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम देसी घी ऐड करेंगे। इस घी के लिए हम मिक्स करेंगे आटे के साथ। तो ये अच्छे से घी इसमें मिक्स हो चुका है और आप देखेंगे कि इस तरीके से इसका लड्डू बनने लगा। इससे ये पता चलेगा ये आटा एकदम परफेक्ट है। इसकी गुजिया एकदम सॉफ्ट क्रिस्पी सी बनेगी। बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार होगी। एकदम खस्ता गुजिया बने उसके लिए हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी 2 चम्मच और ऐड कर लेते हैं। इसे भी मिक्स करके आटा गूंथे। मिक्स हो चुका है और आप देखेंगे लड्डू जैसा एकदम से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और एक साथ पानी सारा ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें जिससे कि आटा कहीं गीला ना हो जाए। और एकदम से सॉफ्ट आटा तैयार करना है, ना ही बहुत टाइट होना चाहिए आटा और ना ही एकदम से गीला होना चाहिए। तो आप देखेंगे आटा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी गूंथ सकते हैं। मैंने पानी का इस्तेमाल किया, आप उस जगह दूध को भी ऐड कर सकते हैं। पर हमने इसमें घी बहुत सारा डाला है, तो हमें दूध दही किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए एकदम चिकना स्मूथ आटा तैयार करके और रख देते हैं रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग के लिए मावा तैयार कर लेते हैं, और आटा इस तरीके का इतना सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये हमने मावा लिया है, इसके लिए एक बर्तन में ऐड करेंगे। और जितना हमने मावा लिया था उतना ही हम ये शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं। आप जो भी बूरा शक्कर जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इलायची निकाल लेंगे, इनके पाउडर बना लेंगे, और ये नारियल का बुरादा और किशमिश को ऐड कर लेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये आटा एकदम स्मूथ चिकना तैयार है। इसकी हम बॉल्स जैसी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनकी पूड़ियां बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारी पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी पूड़ियां भी बना लेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह का एक मोल्ड होना चाहिए जिससे हम गुजिया तैयार करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। तो हमने इस तरीके से मोल्ड के लिए लेंगे, और जो हमने पूरी बनाकर तैयार की है तो उसके लिए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। तो अच्छे से हमें इसको रखना है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर पूरी के लिए रख लिया, और इसपे जो हमने मावा को तैयार किया है उसको 2 चम्मच रखेंगे। चाहे ज्यादा भी रख लें, बस इतना ही रखें कि इसके साइडों से नहीं आना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, ताकि ये जो इसकी साइडें हैं वो अच्छे से चिपक जाए। तो हम इसके लिए इस तरीके से बंद कर देंगे। एक बार हाथ को प्रेस करते हुए दबाते हुए इस तरीके से, और फिर इसका एक्स्ट्रा आटा है उसके लिए भी हम कट कर देंगे। तो इसके लिए इस तरीके से हम हटा देंगे। एकदम अच्छा सा गुजिया बनकर हमारा तैयार हुआ है।
बाकी कुछ अभी हम इसी तरीके से बनाएंगे। फिर से हम पूड़ी लेंगे और पूड़ी को जिस तरफ से प्लेट की तरफ चिपकी हुई है उस तरफ से सीधा रखेंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से, क्योंकि बाहर की साइड की पूड़ी होगी तो वो क्या है सूख जाएगी, थोड़ा ड्राई हो जाएगी बेलने के बाद। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। अगर आपका आटा कुछ टाइट हो गया है, कई बार हो जाता है, तो उसके लिए आप साइडों से पानी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम समोसे पर पानी को ऐड करते हैं उस तरीके से साइडों से ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी गुजिया एकदम बहुत अच्छे से चिपक जाएगी और खुलेगी नहीं। इसका मेन सीक्रेट यही है, गुजिया बनाते समय बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। पूड़ी बड़ी होनी चाहिए इस सांचे से ताकि बाहर होगी तभी अच्छे से ये चिपक पाएगी। और अगर आटा आपका टाइट है तो उसके लिए आप एक बार साइडों से पानी को ऐड कर लें या थोड़ा सा एक चम्मच मैदा में भी ऐड करके पानी को मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बनाकर उसको ऐड कर सकते हैं। ये गुजिया भी हमारी बनकर तैयार हो जाए। इसी तरीके से हमारी जो गुजिया है उनको बनाकर रेडी कर लेंगे। और ध्यान रखें कि आप अकेले बना रहे हैं, साथ में कोई और नहीं है और बहुत सारे आप गुजिया बना रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक मोटा कपड़ा लें, चादर वगैरह इस तरीके का हैवी कपड़ा, और उसको एक तरफ मोटी लेयर में उसको बिछा कर, जैसे मैंने ये दुपट्टा लिया है इस तरीके से आप एक गुजियाओं के लिए इस तरीके से अखबार लगा कर फिर गुजिया आप इस तरीके से रखते जाए। तो इस तरीके से आप गुजिया रखेंगे और उसके लिए आप कपड़े से इस तरीके से ढक देंगे। इससे क्या होगा, जो गुजिया की पपड़ी है वो ड्राई नहीं होगी, गुजिया आपका एकदम अच्छा रहेगा। जब आप फ्राई करेंगे तब ये गुजिया खुलेगा नहीं, तो ये इसका मेन सीक्रेट है। और अगर आप दो या तीन लोग हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, एक तरफ गुजिया बनाते जाओ और एक तरफ कढ़ाई रखकर उनको फ्राई करते जाओ। अगर आप अकेले हैं तो इस ट्रिक से बना सकते हैं, ये इसका सीक्रेट टिप्स है और बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आपकी गुजिया कभी खराब नहीं बनेगी, फ्राई करते समय कभी आपकी गुजिया नहीं खुलेगी। ऑयल गर्म हो चुका है, गुजिया फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखें गुजिया फ्राई करते समय आंच के लिए सिलो रखें, हाई फ्लेम पर गुजिया फ्राई नहीं करना है क्योंकि वो एकदम से जल जाएंगी। सिलो मीडियम फ्लेम पर हमें गुजिया को फ्राई करना है। गुजिया फ्राई हो चुके हैं, इनके लिए अब हम निकालेंगे। एकदम खस्ता गुजिया बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।